जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2021 मैच नंबर 24 खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच। दोनों ही टीमों की दशा पॉइंट्स टेबल पर ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आप सभी को बता दें कि अरुण जेटली स्टेडियम में यह महामुकाबला खेला जाना है। इस मुकाबले से पहले कुछ बड़ी अपडेट्स सामने आई है। लगातार हार का सामना कर रही मुंबई इंडियंस क्या कोई बड़े बदलाव करके मैदान पर उतरेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब दोस्तों हमारी वीडियो के अंत होते होते आप सभी को मिल जाएगा। आप सभी को बता दें सीजन की शानदार टीम मुंबई इंडियंस शुरुआत में अच्छी जीत हासिल करी थी। पहला मुकाबला हारने के बाद दो मुकाबले लगातार जीती थी, लेकिन वो मुकाबले भी दोस्तों बहुत क्लोज थे, जहां पर 152 डिफेंड करा था तो दूसरे मैच में उन्होंने 150 डिफेंड करा था। लेकिन वो मुकाबले क्लोज होने के बाद जब इनका आमना सामना कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट टीम के साथ हुआ इस सीजन की, तो उनके सामने हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आपको बता दें दोस्तों अरुण जेटली स्टेडियम में क्या कुछ हाल रह सकता है, यहाँ पर कौन सबसे ज़्यादा छक्के मारेगा, कौन सबसे ज़्यादा चौके मारेगा, मैन ऑफ द मैच इस मैदान पर कौन बन सकता है, टॉस कौन जीतेगा और मैच कौन जीतेगा, ये पूरी आपको जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ ही साथ आपके सामने जो आंकड़े रखेंगे वो आपको हैरान कर देंगे। दोस्तों सबसे पहले इस सीज़न की बात करें, राजस्थान रॉयल्स इस सीज़न ज़्यादा कुछ कमाल नहीं कर रही है, पॉइंट्स टेबल पे ज़्यादा कुछ खास पोजीशन है नहीं। तो मुंबई इंडियंस भी दोस्तों 5 में से 2 मैच जीती है, 3 हार चुकी है अभी तक, और दोनों ही टीमों के देखे जाए तो 4-4 पॉइंट्स के साथ दिख रही है। संजू सैमसन इज द टॉप रन स्कोरर फॉर द राजस्थान रॉयल्स विद 187 रन्स एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 143। जी हाँ दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि संजू सैमसन इस सीज़न के अभी तक राजस्थान रॉयल्स के सबसे सफल बल्लेबाज साबित हुए हैं। उनके खेले गए इन मुकाबलों में उन्होंने अभी तक 187 रन बटोरे हैं। दोस्तों 187 रन ज़्यादा कुछ खास नहीं होता, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने पहले ही मुकाबले में अभी तक इन्होंने अपने 119 रन की पारी खेली थी, उसके बाद से ही इनका बल्ला पूरी तरीके से शांत है। दोस्तों ये हर सीज़न की कहानी हो गई संजू सैमसन के साथ। इस पर सुनील गावस्कर भी काफ़ी भड़के थे, क्योंकि सुनील गावस्कर ने कहा था कि ये खिलाड़ी के अंदर दमखम है, लेकिन एक दो मैच में रन मारता है, उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है इसको, फिर उसके बाद ये लगातार खराब बल्लेबाजी करने लग जाता है। तो संजू सैमसन के साथ दोस्तों यही दिक्कत है कि 5 में से 2 मैच इसकी टीम इसी वजह से जीती है। एक मुकाबला, बल्कि दोस्तों दोनों ही मुकाबले क्रिस मॉरिस के दम पर जीती थी। एक मुकाबला में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी थी और एक मुकाबले में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी थी, लेकिन संजू सैमसन उस मैच में जिता नहीं पाए जिसमें 119 मारे थे। वहीं बात करें दूसरी तरफ इनके सबसे बेहतरीन गेंदबाज की, तो क्रिस मॉरिस हैज बीन द मोस्ट बॉलर ऑफ फॉर राजस्थान एंड हिज पिक्ड अप 9 विकेट्स वाइल बॉलिंग एंड एवरेज 18 एंड इकोनॉमी 9। दोस्तों चेतन सकारिया ने 7 विकेट ली है और क्रिस मॉरिस ने 9 विकेट ली है। संजू सैमसन की दोस्तों और बात करें तो संजू सैमसन ने अपने 5 मैचों में 17 चौके और 9 छक्के लगाए हैं। शिवम दुबे 110 रन बना चुके हैं अभी तक और उनका स्ट्राइक रेट 119 है। तो ये तो दोस्तों बात हो गई यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की दो खतरनाक खिलाड़ियों की, एक बल्लेबाज और एक गेंदबाज। अब चलते हैं मुंबई इंडियंस की तरफ आपको लेकर। मुंबई इंडियंस आर द प्लेस्ड एट द नंबर 4th स्पॉट इन द इंडियन प्रीमियर लीग 2021 पॉइंट्स टेबल विद 2 विंस एंड 3 लूजेस फ्रॉम देयर 5 मैचेस द लीग द टीम इज द 4 पॉइंट्स, यानी कि 5 में से 2 मैच जीती है, 3 हारी है और चौथे नंबर पे अभी तक नजर आ रही है। और रोहित शर्मा की बात करें, रोहित शर्मा इज द टॉप रन स्कोरर फॉर मुंबई इंडियंस विद 200 रन्स एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 130। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि 201 रन के साथ मुंबई इंडियंस के सबसे सफल बल्लेबाज इस सीजन के रोहित शर्मा हैं। उन्होंने अभी तक 14 चौके और 9 छक्के लगाए हैं। सूर्य कुमार यादव हैज ऑल्सो मेड 154 रन एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 143। सूर्य कुमार नंबर दूसरे पर है 154 रन बनाकर। अब बात करें सबसे अच्छे गेंदबाज की मुंबई इंडियंस की, तो वो है राहुल चहर, क्योंकि इन्होंने अभी तक जो विकेट ली है वो ली है 9 विकेट इन्होंने ली है और एवरेज इनकी 15 की है, इकोनॉमी इनकी 6.5 के आसपास की। तो ये तो दोस्तों बात हो गई राजस्थान और मुंबई के खतरनाक प्लेयर के बारे में। अब चलते हैं प्लेइंग 11 की तरफ आपको लेकर। प्लेइंग 11 क्या कहती है दोस्तों आज के मुकाबले की, क्या मुंबई इंडियंस क्या बड़े बदलाव करेगी? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं दिख रहा है। रोहित शर्मा के साथ क्वेंटन डिकॉक ही हमें ओपनिंग करते दिख सकते हैं और सूर्य कुमार यादव के बाद ईशान किशन ही बल्लेबाजी कर सकते हैं। क्वेंटन डिकॉक की जगह सब कह रहे थे ईशान किशन को हटा दो, क्वेंटन डिकॉक को हटा दो, इनकी जगह क्रिस लिन और सौरभ तिवारी को ले आओ। पिछले सीज़न सौरभ तिवारी को शुरुआती कुछ मुकाबले में मौका मिला था खेलने का और उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी थी, लेकिन सूर्य कुमार यादव ईशान किशन इस सीज़न ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। सूर्य कुमार यादव तो रन बना रहे हैं लेकिन ईशान किशन का बल्ला अभी तक सभी मैचों में शांत रहा है। हार्दिक पंड्या का भी दोस्तों बल्ला शांत रहा है और उनसे तो गेंदबाजी भी नहीं करवाई जा रही।
किरण पोलार्ड, कृणाल पांड्या, राहुल चहर, जयंत यादव, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर यही 11 खिलाड़ी मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते नजर आ सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स दोस्तों पिछले मुकाबले में दमदार वापसी करी थी। यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, संजू सैमसन, डेविड मिलर, रियान पराग, शिवम दुबे, राहुल तेवतिया, क्रिस मॉरिस, जयदेव उनाडकट, चेतन सकारिया और मुस्तफिजुर रहमान हमें नजर आ रहे हैं राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 में। ये प्लेइंग 11 कंफर्म नहीं है, कंफर्म होगी दोस्तों शाम के 7 बजे जब टॉस हो जाएगा और दोनों ही टीमों के कप्तान अपने अपनी ऐलान कर देंगे कि क्या हो सकता है। अब चलते हैं दोस्तों टॉस की तरफ कि टॉस कौन जीत सकता है इस मैदान पर। दोस्तों टॉस तो एक तरीके से पूरी प्रिडिक्शन हो गई, भविष्यवाणी हो गई कि मुंबई इंडियंस के पक्ष में जा सकता है टॉस और टॉस जीतकर पहले ये गेंदबाजी का फैसला कर सकती है। और ये मैच कौन जीत सकता है दोस्तों, अगर जो टॉस जीतेगी टीम चांसेस उसके ज़्यादा हैं कि वो भी मैच जीत जाए। मुंबई इंडियंस के चांसेस बन रहे हैं कि इस मुकाबले में मैच को जीत जाए। और सबसे ज़्यादा जो रन बनाएगा इस मैदान पर वो दोस्तों जॉस बटलर और रोहित शर्मा हो सकते हैं। राजस्थान की तरफ से जॉस बटलर मार सकते हैं क्योंकि बल्ला अभी तो उनका चला नहीं और उनका बल्ला चलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बैन स्टोक और जोफ्रा आर्चर की गैर मौजूदगी में। और मुंबई इंडियंस के सबसे अच्छे बल्लेबाज हो सकते हैं आज के मुकाबले में रोहित शर्मा, क्योंकि जिस भी टीम का कप्तान रन मारता है उसकी टीम को जीत से कोई नहीं रोक सकता। सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर निगाहें रहेंगी गेंदबाजी में वो तो एक तो क्रिस मॉरिस हो गए और दूसरे होगा जसप्रीत बुमराह। इनके ऊपर दोस्तों निगाहें गड़ाए रहना कि उनकी ये हाईएस्ट विकेट टेकर बन सकते हैं इस मैदान पर। अभी तक जितने ही मुकाबले हुए हैं वहाँ पर तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहा है। और आपको बताएं कि सबसे ज़्यादा छक्के कौन लगा सकते हैं इस मैदान पर, तो दोस्तों रोहित शर्मा को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस मैदान पर। अगर देखा जाए दोनों ही टीमों की तुलना में तो रोहित शर्मा का बल्ला ज़्यादा चल सकता है इस मैदान पर। टीम स्कोर्स बैटिंग फर्स्ट, यानी कि अगर पहले बल्लेबाजी अगर राजस्थान या मुंबई करती है तो कितने रन बनाती है। अगर दोस्तों मुंबई करती है पहले बल्लेबाजी और उनकी जो बल्लेबाजी की लाइनअप है तो उससे लग रहा है कि हार्दिक पांड्या और किरण पोलार्ड को भी मौका मिलेगा और वो अच्छे स्कोर को बनाना चाहेंगे, 180 के प्लस मुंबई इंडियंस ले जाना चाहेगी। दूसरी तरफ दोस्तों राजस्थान रॉयल्स अगर पहले बल्लेबाजी करती है तो 160 के करीब उनका फर्स्ट इनिंग का स्कोर रह सकता है। तो मुंबई इंडियंस के पक्ष में दोस्तों ये मैच जा रहा है, अब देखते हैं कौन बाजी मारता है। अब आपको दोस्तों हेड टू हेड मुकाबले की बात बता दें, हेड टू हेड मुकाबले अभी तक इनके बीच 25 मुकाबले खेले गए हैं आईपीएल के इतिहास में। मुंबई इंडियंस इसमें से 12 मुकाबले जीती है और 12 ही जीती है राजस्थान रॉयल्स, यानी कड़ा मुकाबला है दोस्तों। लेकिन अगर खिताब जीतने की बात करें तो 5 बार मुंबई जीती है और 1 बार राजस्थान रॉयल्स जीती है। राजस्थान रॉयल्स दोस्तों आईपीएल की सीजन का पहला जो सीजन था उसका ही खिताब जीती थी और एक मैच रहा नो रिजल्ट, यानी कि बारिश या किसी और कारण की वजह से। लेकिन ये मुकाबला दोस्तों काफ़ी कांटे की टक्कर का होने वाला है। दोनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल पे भी सेम पॉइंट्स के साथ नजर आ रही है लेकिन थोड़ा बहुत नेट रन रेट का फर्क है। अब मुकाबले के बारे में बता दें तो दिन में 3:30 बजे से दोस्तों ये मुकाबला लाइव आप सभी को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर आप सभी को देखने को मिलेगा। इस मुकाबले से दोस्तों ज़्यादा जुड़ी जानकारी अगर आप सभी के सामने रखें तो ये जानकारी है कि यहाँ आज के मुकाबले में कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि इस मुकाबले से पूरी उम्मीद है कि पॉइंट्स टेबल बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने वाली है। पॉइंट्स टेबल इस वजह से उथल पुथल होने वाली है क्योंकि हर टीम अपने नेट रन रेट पर फोकस करेगी। दोस्तों इससे पहला जो मुकाबला सीएसके वर्सेस एसआरएच का उस पर भी निगाहें रहेंगी, लेकिन आपको बता दें कि ये धमाकेदार मुकाबला होगा मुंबई वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का। दोनों ही टीम 5 में से 2 मुकाबले जीती है, जो जीतेगी वो 6 पॉइंट के साथ पॉइंट्स टेबल में थोड़ी ऊपरी की तौर पर बढ़त बनाएगी। देखना दिलचस्प होगा क्या होता है मैच का रिजल्ट। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।